डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट बॉडी प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो जो हमें थ्री फाइला हैं प्लेटी हेलमेंटिस निमर्टिया और दे आर हैविंग द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स दैट आर सेट टू बी एडवांस्ड और ये करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं कि इनके अंदर बायोलेट्रल सिमेट्री है और है, है, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी कनाइडेरियंस ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं इनके अंदर ए हैं दे आर क्लासीफाइड इंटू थ्री फाइला पहले है फाइलम प्लेटी हेलमथीस प्लेटी हेलमे में ज़्यादातर हमें फ्लैट वर्म्स मिलते हैं फ्लैट वर्म्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं यानी क्लास टर्बिलेरिया के एनिमल्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं इसके अंदर फ्लूक्स और टेप वाम मौजूद है फाइलम निमर्टिया इसमें इंक्लूडेड हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स ये वर्म्स सेगमेंटेड भी हो सकते हैं अनसेगमेंटेड भी हो सकते हैं अन अनएलोगेटेड uh, भी हो सकते हैं सॉफ्ट हैं मरीन भी हैं और फ्री लिविंग भी फिर है फाइलम गैस्ट्रोट्रिका ये वो एनिमल्स हैं दैट नॉर्मली लिव इन द स्पेस बिटवीन द बॉटम सेडिमेंट्स अब इनकी एवोल्यूशन के बारे में अगर हम देखें तो नॉर्मली हमें थ्री व्यूज मिलते हैं जो कि साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नॉलेज की बेस पे डिस्क्राइब किए पहला व्यू क्या है पहला व्यू हमें यह कहता है कि जो ट्रिपलो ब्लास्टिकलोमेट दिस इज अ इंटरमीडिएट ग्रुप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रेडियल डिप्लोब्लास्टिक प्लान एंड ट्रिपलोब्लास्टिक सिलोमेट प्लान देर फोर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लैट वम्स हैं ये एवोल्यूशनरी इनका आरइस है ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ए सिलोमेट एनसीस्टर से अब एवोल्यूशन हम दस एवोल्यूशन ऑफ फ्लैट वाम्स नॉर्मली टुक प्लेस इन द रेडियल एंडस्टर्स इसके अलावा यहाँ पर लार्वल स्टेज भी मौजूद है ये लार्वल स्टेज जो है दैट समाइम्स बिकम्स सेक्शुअली मेच्योर और इस लार्वे के लिए एक स्पेसिफिक नाम है पीडोमॉर्फोसिस और जो सेक्शुअली मेच्योर इन लार्वल बॉडी फॉर्म इज कॉल्ड पीडोमॉर्फोसिस अब जो दूसरा जोलोजिस्ट का ग्रुप है जो कि इसकी एवोल्यूशन की थेरी को एक्सप्लें करेगा वो हमें यह कहता है कि जो ट्रिपलोप्लास्टिक एसिलोमेट हैं

दैट आर सेट टू बी प्रीमिटिव ये ज़्यादा रिटसेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है इसके मुताबिक जो डिस्कवरी थी स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स की जिसके अंदर एनिलिड्स मौजूद हैं तो ये वर्म्स जो हैं इनके अंदर दोनों तरह के फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स के करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं ये हमें ये भी सजेस्ट करता है कि जो ए बॉडी प्लान है दिस इज़ आ सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स इसलिए फ्लैट वर्म्स जो हैं दे कैन सेट टू बी रिप्रेजेंट आ सेपरेट ब्रांच और ये किस तरह से बने हुए एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बॉडी कैविटी। यहाँ पे आप ये इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर देखें एसलोमेटा फाइला सुडोसिलोमेटा फाइला सिलोमेटा फाइला अब ए सिलोमेटा के अंदर हैं हमारे पास पोरीफ्रा टीनोफेरा कनाइडेरिया रेडिएटल आर्वा प्लेटी हेलमेंथिस निमर्टिया और मॉडर्न प्रोटिस और इसके अंदर हमारे पास सिलोमेटा में है कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा इकाइनोडरमेटा ब्रेंकियोपोडा एक्टोप्रोक्टा मोलस्का एनिडा और आर्थ्रोपोडा लेकिन इस एसलोमेट फाइला और सिलोमेट फाइला अगर इनकी आप औरिजनेशन देखें या एंसेस्ट्रल प्रोटिस देखें तो एंसेस्ट्रल प्रोटिस जो है इसके बाद बने अन्सेस्ट्रल एनिमल्स एनसेस्ट्रल एनिमल्स के एक ग्रुप बन गया ड्यूटोरियोस्टोमेटा और दूसरा ग्रुप जो है उससे बन गई ओरिजिनेशन एनसेस्ट्रल कोफ्लैजिलेट स्टॉक की फिर इसके अंदर रैपिड डाइवर्सिफिकेशन और एक्सटिंक्शन हुई और एक ग्रुप बन गया प्रोटोस्टोमेटा और दूसरा बन गया ड्यूटीरियोस्टोमेटा प्रोटोस्टोमेटा से बने आर्थरोपोडा एनिलिडा मुलास्का और डिटरियोस्टेमेटा से बने कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडरमेटा। फर्दर इसको अगर हम देखें तो निम टोडा और दूसरे फाइलम्स जो थे दे आर सेट टू बी मॉडर्न सर्वाइविंग एनिमल फाइला तो दिस इज अ डायग्राम दैट नॉर्मली शोज अ जनरलाइज्ड एवोल्यूशनरी ट्री जिसके अंदर मेजर इवेंट्स और पॉसिबल लाइंस ऑफ डिसेंडेंट्स हैं प्रोटोजोआ की